हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथ में हम इलर्स थ्योरम हम करा रहे थे। आज की इस वीडियो हम इलर्स थ्योरम को समझाएंगे, इलर्स थ्योरम को प्रूव भी करके दिखाएंगे और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, स्टेट एंड प्रूव इलर्स थ्योरम। क्या बोलेगा वो? बोलेगा स्टेट एंड प्रूव इलर्स थ्योरम। आपका बोलेगा इलर्स थ्योरम। स्टेट का मतलब यह है, तो उसका स्टेटमेंट आपको लिखना है। प्रूफ का मतलब यह है कि आपको उसका प्रूफ करके दिखाना है। दोनों काम करेंगे तब आपको 7.5 नंबर मिलेगा। 3.5 नंबर में केवल और केवल आपसे पूछेगा कि स्टेटमेंट क्या होता है। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द इलर्स थ्योरम। इलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलर्स थ्योरम के लिए आपने होमोजीनियस फंक्शन हमने पढ़ाया था इससे पहली वाली वीडियो, जिसने नहीं देखी है देख लीजिएगा। होमोजीनियस फंक्शन हमने उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, समझाया है। चलिए, तो उसी से आगे अब हमने, हाँ, जिनको नहीं पता उनको भी मैं बता दूँ, छोटा सा थोड़ा सा मैं आपको दे देना चाहता हूँ, देखिएगा। वो सभी फंक्शन जो एक्स और वाई एन दो वेरिएबल में जो फंक्शन दो वेरिएबल में होता है उसको हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं, बशर्ते उसकी एक कंडीशन होनी चाहिए कि प्रत्येक टर्म की डिग्री बराबर होनी चाहिए। डिग्री और पावर में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक फंक्शन है ये एक्स वाई में दे रखा है, आपका एक्स की पावर 2 वाई प्लस एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। एक दे रखा है आपका x कॉमन वाई, ये भी एक्स वाई में दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स की पावर 3 वाई, और यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ये दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर। ये है दोनों फंक्शनों को देखोगे तो देखिएगा, वैसे आप देखिएगा दो चीज होती हैं, एक डिग्री और एक होती है पावर। पावर का मतलब देखिए घात, डिग्री का मतलब कोटि। देखिए कोटि और घात और कोटि में इतना अंतर समझ लीजिए। घात और कोटि, कोटि देखिए आप ऐसा समझिएगा, ये देखिए ये क्या है, इसमें x की पावर 2 है, यानी x की घात इसमें 2 है, y की घात भी 2 है। लेकिन इस टर्म की यदि मैं डिग्री की बात करूं, इस टर्म की कोटि की बात करूं, तो कोटि हो जाएगी इसकी 4। इस वाले टर्म की कोटि कितनी हो जाएगी, x की पावर 3 y की पावर 1 तो इसकी 4। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, यानी कि इसकी हम डिग्री की बात करें 2, इस टर्म की डिग्री कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि y की पावर 2 है, नहीं पावर जुड़ जाती है वेरिएबलों की। इसकी 3, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 3, क्यों, x की पावर 1 y की पावर 2। तो मतलब ये है कि ये वाला आपका फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। ये आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। होमोजीनियस क्यों कहला रहा है, क्योंकि इसके इसमें दो इस फंक्शन में दो वेरिएबल तो है x और y, साथ में इनके प्रत्येक टर्म की डिग्री समान है। यहाँ पर देखिए 3-3 है सभी की डिग्री, प्रत्येक टर्म की डिग्री बराबर हो। ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डिग्री 4 है, यहाँ पर 4 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री सभी टर्मों की डिग्री बराबर नहीं है। यदि ये फंक्शन केवल इतना होता तब ये भी होमोजीनियस फंक्शन कहलाता, क्योंकि इसमें 2 टर्म है और दोनों टर्मों की डिग्री 4 है। ठीक है, चलिएगा, बस ये चीज है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही हमने मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि U एक होमोजीनियस फंक्शन है। इलर्स थ्योरम कहती है कि इफ U इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि U एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, कितने डिग्री का, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है इन एक्स वाई, x और y में, तो x और y में आपका इस तरह से लिख देंगे कि f x और y का होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का, तब ये इलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, तब देन दिस इज कॉल्ड इलर्स थ्योरम, दिस इज कॉल्ड इलर्स थ्योरम, इट इज ये, दिस इज कॉल्ड इलर्स थ्योरम, यही है इलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट।
डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, जहां पर एन क्या है डिग्री है और यू क्या है फंक्शन है। ठीक है चलिएगा अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं, प्रूव भी करके दिखाएंगे, चीजों को सीख लेंगे। ठीक है बस इतना सा ये लेट्स थ्योरम, चलिए देखते हैं फिर प्रूफ कैसे करेंगे। हमने माना लेट यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई। ठीक है हमने मान लिया कि जो आपका u x और y में दे रखा है होमोजीनियस फंक्शन डिग्री n का है, तो हम इसको तब ये डिग्री n का है तो होमोजीनियस फंक्शन को हम किस रूप में लिखते हैं आपको पता है, इसको x की पावर n और हम लिखते थे x x की पावर n f x अपॉन y इस तरीके से लिखते थे। याद है हम हर फंक्शन को जो होमोजीनियस फंक्शन था उसको हम किस रूप में लिखते थे, सॉरी यहाँ पे देखिएगा इसको y अपॉन x लिखते थे, होमोजीनियस फंक्शन को y अपॉन x किस रूप में लिखा जाता था। ठीक है x की पावर n कॉमन लेंगे तो x नीचे आएगा, ठीक है y अपॉन इस रूप में लिखा जाएगा। ऐसे ही जब u आपका होमोजीनियस फंक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू x की पावर n u, और u यहाँ पे लिख सकते हैं सॉरी u इज इक्वल टू x की पावर n f y अपॉन x इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि u आपका होमोजीनियस फंक्शन है, यहाँ पर आपका ये f होमोजीनियस फंक्शन है तो f बराबर इतना हो जाएगा, यदि u आपका होमोजीनियस फंक्शन है तो u बराबर x की पावर n f y अपॉन x। ठीक है क्यों, यदि x और y का होमोजीनियस फंक्शन होता है तो हम उसको इस रूप में लिखते हैं, ये होमोजीनियस फंक्शन की प्रॉपर्टी है, पुराना वीडियो देख लेना। ठीक है चलिए अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन को हमको ये दिखाना है, टेलर्स थ्योरम क्या कहती है कि इसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x की गुणा करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y के साथ गुणा करेंगे तो इतना आएगा, देखो कितना आता है, चलो चेक करते हैं। तो हम इसका पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स यानी एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसका क्या कर ले रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, अवकलन करेंगे तो लाइक ये एक फंक्शन होगा आपका और ये वाला दूसरा फंक्शन होगा। तो क्या था रूल, क्या होता है पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, ये वाला दूसरे का अवकलन हो जाएगा प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का अवकलन डेल अपॉन डेल एक्स एक्स की पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, ये एक्स की पावर एन ये कैसे करेंगे देखिएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाई अपने आप में देखिएगा कैसे करेंगे, पहले तो ये एफ का अवकलन करेंगे तो एफ डैश हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, अब y अपॉन x का फिर दोबारा से अवकलन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा देखिएगा, आपको पता है y बाहर आ जाएगा क्योंकि तो y अपने आप में कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये चलेगा 1 अपॉन x का डायरेक्टली होता है कितना माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस y अपॉन x स्क्वायर। ठीक है क्यों, क्योंकि y की मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस y अपॉन x स्क्वायर, याद रखिएगा y y अपॉन x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन कितना होता है माइनस y अपॉन x स्क्वायर। ठीक है चलिए ये हो गया, ठीक चलिए ये पूरा हो गया, प्लस ये f ये y अपॉन x इनटू x की पावर n का, आप जानते हो x की पावर n का अवकलन यदि x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 ये होता ही है, तो कितना हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है तो टोटल मिलाकर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिएगा, ये f है इसको पूरे को यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस y और इंटू x की पावर n अपॉन x स्क्वायर इंटू f डैश y अपॉन x ये हो जाएगा। ठीक है और ये देखिएगा ये n को हम आगे ले लेंगे प्लस n x की पावर n माइनस 1 f y अपॉन x देखिए n x की पावर n माइनस 1 ये बाहर आगे आ जाएगा और ये चीज पीछे ये। ठीक है ये चीज आ गई, अब हमको क्या चाहिए था, ये पहले वाले पद में इसमें x की मल्टीप्लाई हो रही है तो x की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में
तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जब हम इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू ये है आपका माइनस वाई एक्स की पावर एन अपॉन एक्स स्क्वायर एफ एस वाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा ठीक है। और इसमें भी हमने मल्टीप्लाई कर दी, इसमें प्लस इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा एन, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करूँगा एक्स इंटू एक्स की एन एक्स की पावर एन माइनस वन एफ, और ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स ये ठीक है, क्यों मैंने x की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें x की मल्टीप्लाई कर दी इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में भी x की मल्टीप्लाई कर दी, इससे ये घात कट जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस वाई एक्स की पावर n, नीचे से x कट जाएगा एक घात से ये कट जाएगा तो x बचेगा f f डैश वाई अपॉन x और प्लस ये देखिएगा ध्यान से देखोगे तो आपको देखिए x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, जब हम इसका मतलब ये जब इनको जोड़ेंगे तो 1 प्लस एन माइनस वन, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा x की पावर n आ जाएगा ठीक है। तो x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा x की पावर n को, तो पहले n को लिख दो, n लिख देंगे फिर ये x बचेगा, क्यों बचेगा x, क्योंकि x की पावर n माइनस वन और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो 1 से ये माइनस वन कट जाएगा तो कितना बचेगा n ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा एफ वाई अपॉन एक्स, ये आ जाएगा चलिएगा एक्स वैल्यू अपॉन डेल एक्स, इसको समीकरण एक मान लो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ठीक चलेगा। अब दूसरी चीज करो, ये यही चीज देखिएगा, u बराबर क्या थी, अगेन अगेन u इज इक्वल टू एक्स की पावर n इंटू एफ वाई अपॉन एक्स, ये है अब के डेल u अपॉन डेल y, y के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो वही ये पहला फंक्शन, ये वाला दूसरा फंक्शन, वही चीज पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, y के रेस्पेक्ट में करेंगे अब की बात y अपॉन है प्लस दूसरा वाला फंक्शन, दूसरा वाला फंक्शन और पहले का अवकलन y के रेस्पेक्ट में करेंगे x की पावर n का ठीक है चलिएगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा है, देखो वैसे भी यदि मैं y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो इतना लंबा मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी जरा सीखो, क्यों नहीं पड़ेगी हमको इतनी बड़ी आवश्यकता, क्योंकि देखिए आपको पता है इसमें पहला और दूसरा फंक्शन की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला x की पावर n तो ये कॉन्स्टेंट की तरह बाहर निकल आएगा, डेल अपॉन डेल y f y अपॉन x ये चीज आ जाएगी, जब मैं x की पावर n इंटू अब y के रेस्पेक्ट में इसका करूंगा तो f का करूंगा तो f डैश हो जाएगा ठीक है, f डैश यानी y अपॉन x, और जो y अपॉन x है ये y अपॉन x है, इसका मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या होगा कि देखिए 1 अपॉन x तो बाहर आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई वाई और वाई का हो जाएगा 1, तो ये कितना बचेगा सीधे 1 अपॉन x बचेगा, क्यों, क्योंकि इस वाई का तो वाई के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 अपॉन x बचेगा, केवल 1 अपॉन x बचेगा ठीक है। चलिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको ले आएंगे यहाँ पर तो x की पावर n अपॉन x f डैश y अपॉन x ये आ जाएगा, तो डेल u अपॉन डेल y ये आ गया, हमको क्या चाहिए था दूसरे टर्म में y चाहिए था, दोनों पक्षों में y की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y इंटू डेल यू अपॉन डेल y बराबर, ये y की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y इंटू x की पावर n और अपॉन x f डैश y अपॉन x ये आ रहा है, ये समीकरण दो ठीक है। अब ये समीकरण दो और समीकरण एक को यदि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा y x की पावर n x y x की पावर n अपॉन x y x की पावर n अपॉन x, ये माइनस का है ये प्लस का है, इसके साथ में भी f डैश y अपॉन x आ रहा है, इसमें भी f डैश y अपॉन x आ रहा है, इससे ये वाली चीज कट जाएगी, जब ये चीज कट जाएगी तो ये क्या बचेगा केवल n x की x n x और ये बचेगा आपका सॉरी ये बचेगा n इंटू x की पावर n, x की पावर n यहाँ पे याद रखिएगा x ये कट जाएगा तो यहाँ पर x की पावर n बचेगा, क्यों आपको पता था ना x की पावर 1 से x की पावर 1 कट जाएगा तो x की पावर n बचेगा ये चीज ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ आपको, जब हम इसको जोड़ेंगे समीकरण लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इसको जोड़ेंगे तो इसकी ये x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू, ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखिए पहला पक्ष ये है पूरा, ये लिख देंगे माइनस
वाई एक्स की पावर एन अपॉन एक्स एफ प्लस वाई अपॉन एक्स, ये फिर प्लस एन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स, फिर प्लस ये वाली चीज, क्योंकि पहले वाले में तो ये दोनों टर्म आ गए, तीसरे में ये आ जाएंगे। ये वाला क्या है, वाई एक्स की पावर एन अपॉन एक्स एफ प्लस वाई अपॉन एक्स, ये। अब आपको दिखाई दे रहा है क्या कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये और एक ये वाला, ये माइनस का ये प्लस का, इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा एन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स, ये बच जाएगा। और यही चीज तो हमको लेकर आनी थी, एन यू लेकर आना था, और यही चीज ये देखिएगा, इसको समीकरण ए मान लो, और समीकरण ए के अकॉर्डिंग ये वाली एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है यू की, तो यू आ गया। तो अब आपको क्या पता चली, यही चीज हमने अलग अलग डिफरेंशिएट करी तो ये चीज आ गई, तो ये इसका इलर्स थ्योरम का ये प्रूफ हो गया। तो इलर्स थ्योरम बस इतनी है, इलर्स थ्योरम को इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, तो 7.5 नंबर हो जाएंगे। आई होप कि आप इसको सीख पाए होंगे, यदि कोई भी दिक्कत है तो आप बता देना, जगह थोड़ी कम है, इसको साइड में लिखना, इसको एक ही लाइन में लिखना लंबा, इससे इसको काट देना, एन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स बचेगा, ये वैल्यू है इसकी, ठीक है। इसके अपने आप में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके देखना, पूरा समझ में आ जाएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन में मैं आपको बता दे रहा हूँ एक, चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए पहली बात तो, ठीक है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ठीक है, जल्दी से इसको कर लीजिए, इसको मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इस पर आधारित वो भी समझ लो। क्वेश्चन है आपका, ये पहली बात तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, u इज इक्वल टू log h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नीचे x माइनस y, ये है आपका x प्लस y है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, या तो क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट, चलिए भाई इलर्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, देखो ये लिखा हुआ है u इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, देन प्रूव दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वन, ये आपको प्रूव करना है। या आपसे कह देता u इज इक्वल टू ये, तो फाइंड x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू क्या, ये आपको फाइंड करना है। देखिए आपको सिंपल सा तरीका ये है, आप पहले तो ये पहचानो क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, यदि ये होमोजीनियस फंक्शन होगा तो इसमें इलर्ट्स थ्योरम लगा देंगे और बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। होमोजीनियस फंक्शन के लिए हमको क्या लेकर आना है कि ये किसमें होना चाहिए, ये आपका इसकी प्रत्येक टर्म की डिग्री वन होनी चाहिए, प्रत्येक टर्म की डिग्री इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखिएगा अब यहाँ पर यदि ये लॉग ना होता, लॉग ना होता तो ये होमोजीनियस फंक्शन होता, तो हम क्या करेंगे लॉग को इधर ले आओ। आप जानते हो कि ये देखिएगा यू इज इक्वल टू, हम सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं, यू इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो लॉग इधर आएगा तो ई की पावर यू बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ साइन वाई वजह बराबर एक्स, तो वाई बराबर क्या हो जाता है साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स इधर जाके क्या हो जाता है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ही लॉग इधर आके क्या हो जाता है, जो भी फंक्शन होता है वो e के पावर चला जाता है। तो लाइक दिस, ऐसा समझो कि ये आपका एक फंक्शन है जो इसके बराबर है। अब आपको दिखाई दे रहा है x की पावर 2 y की पावर 2, यानी यहाँ पर भी डिग्री 2 यहाँ पर भी डिग्री 2, नीचे वाले टर्म का देखो यहाँ पर 1 तो यानी कि नीचे वाले टर्म की भी डिग्री बराबर है, ऊपर वाले की डिग्री बराबर है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो हम लिख देंगे हेयर e की पावर u इज ए होमोजीनियस फंक्शन। आपको कैसे पता चली, क्योंकि डिग्री बराबर है, इसकी डिग्री कितनी है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ
डिग्री वन, ये वन डिग्री का क्यों है, क्योंकि ऊपर वाली डिग्री, ऊपर एन डिग्री कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले की डिग्री कितनी है दो है, माइनस नीचे वाले की डिग्री कितनी है एक, क्योंकि नीचे वाले की पावर एक्स की पावर वन वाई की पावर वन, तो वन डिग्री, ऊपर वाले की दो दो है तो दो, दो में से एक गया तो एक, तो डिग्री निकल आई। मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए ये आ गई वन डिग्री का है। तो अकॉर्डिंग दिस आपको पता है कि यू आपका कोई होमोजीनियस फंक्शन होता था, इलर्स थ्योरम क्या कहती थी, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एन यू, ये होता था। अकॉर्डिंग दिस तो आप लिखेंगे बाई इलर्स थ्योरम, बाई इलर्स थ्योरम, इलर्स थ्योरम, इलर्स थ्योरम से क्या हो जाएगा कि देखिएगा कि ये u है, ऐसा समझो कि ये लाइक दिस u, तो इसके अकॉर्डिंग तो x x डेल अपॉन डेल x यानी u, डेल u अपॉन डेल x, तो u की जगह पर क्या है e की पावर u प्लस y डेल अपॉन डेल y यहाँ पर e की पावर u इक्वल टू एन यू होता था, तो एन की जगह पर कितना है वन है इंटू यू की जगह पर ई की पावर यू, ठीक है, इस वाली इसमें रख दिया ई की यू की जगह पर ई की पावर यू, यू की जगह पर ई की पावर यू, यू की जगह पर ई की पावर यू, क्योंकि यहाँ पर ई की पावर यू आपका होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। वहां पर हमने क्या माना था, यदि यू ई की यू आपका होमोजीनियस फंक्शन होता तो यहाँ पर यू आता, क्योंकि यहाँ पर e की पावर u आपका होमोजीनियस फंक्शन है, तो ऐसे समझो कि ये पूरा का पूरा ही u है, लाइक u, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे तो कैसे करेंगे हम, ये देखिएगा इसका आपको अवकलन करना है, अवकलन कैसे करेंगे, देखिए x आप जानते हो e की पावर कुछ भी हो, e की पावर x है तो e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर u आ जाएगा इंटू जो u को हमने x माना है, तो क्या हो जाएगा डेल u अपॉन डेल प्लस, ऐसे ये y है इनटू ये e की पावर u का e की पावर u हो जाएगा, और u का दोबारा करेंगे डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू ये e की पावर u जोंका त्यों रहेगा, ठीक है। चलिए अब e की पावर u आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर x डेल u अपॉन डेल x प्लस y y डेल डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू e की पावर u, अब क्या हो जाएगा e की पावर u से e की पावर u कट जाएगा, तो x x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 1, ये आ गया, हो गया प्रूफ, यही चीज देख लो। अब इलर्स थ्योरम से ये कितना आसान हो गया है, इलर्स थ्योरम से ये कितना आसान हो गया है, अदरवाइज हमको क्या करना पड़ता, हमको पहले ये चीज निकालनी पड़ती, क्या निकालनी पड़ती, डेल u अपॉन डेल x, यानी कि u बराबर आपको दे रखा है log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये दे रखा है, तो हम पहले क्या निकालते हैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करते, कैसे करते, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये आप एक्स मानो लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इसका करते, अब इसका अवकलन करते बहुत लंबा हो जाता, फिर सॉल्व करते, फिर x की मल्टीप्लाई करते ऐसे, फिर y का अवकलन अलग करते डेल u अपॉन डेल y, फिर y की मल्टीप्लाई करते, फिर उनको जोड़ते, तब जाके यहाँ पर 1 आता। तो यहाँ पर इलर्स थ्योरम ने कितना आसान कर दिया सवाल, तो इलर्स थ्योरम इस तरह से ये काम मतलब यूज में लाई जाती है, और बाकी के आगे की वीडियो आएंगी तो उसमें सारा समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इलर्स थ्योरम पर बेस्ड काफ़ी बड़े बड़े सवाल कराऊंगा अगली वीडियो में, वीडियो को देखना ना भूलें, कल शाम कल सुबह 10 बजे। जय हिंद।